ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉपर्टी बाजार में लगातार बात हो रही यूपी अपार्टमेंट एक्ट की, किस तरह से इस एक्ट का फायदा निवेशक उठा सकते हैं। बिल्डर्स की बात की जाए तो बिल्डर्स को अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता लानी होगी, जिससे दोनों का हित यहां पर देखने को मिले। आपके पास आना चाहूंगी हिमांशु जी। एक सवाल खड़ा होता है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट सोमवार से लागू हो चुका है, अब सवाल ये खड़ा होता है, सामने आया था 2010 में, आखिर ये लागू कब से हो रहा है, कब से हम इसे माने कि ये सभी के साथ मिल चुका है। देखिए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट तो लागू हो चुका है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट को संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑलरेडी सुपरटेक में मैटर में अपना जजमेंट सुनवाया था, तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट तो ऑलरेडी लागू हो चुका है। पर ये डेट जो सुनिश्चित करने वाली आप बता रही हैं, इस केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जो हमारी ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी है और न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके लिए सुनिश्चित करना, तो उसके लिए भी यही है कि लोगों की इंटरप्रिटेशन के अनुसार कि मंडे से ये पर्टिकुलर एक्ट लागू हो रहा है, यानी कि ये माना जाए कि सिर्फ सोमवार से जो है वो ये एक्ट लागू माना जा रहा है, ये कह सकते हैं। तपन जी, आपके पास आना चाहूंगी, यही सवाल आपसे भी है, सोमवार से ये एक्ट लागू हो रहा है लेकिन कई जगहों पर कुछ चीजें देखने को मिली है, तो उन्हें कैसे फायदा मिलेगा? नहीं देखिए, इसमें अभी बहस की बात है कि 2010 से इसे लागू माना जाए, क्योंकि 2010 से लागू माना गया तभी तो सुपरटेक की दो इमारतें तोड़ने का आदेश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया उसी एक्ट के तहत जी। तो बैक डेट में इसको माना जा रहा है। हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो संज्ञान में एक एक्ट के रूप में लिया गया था, परंतु इम्प्लीमेंटेशन उसका मंडे से होगा ये सुनिश्चित कर दिया है सरकार ने। और जहाँ तक ये था कि भाई सुपरटेक वाले मसले में उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर मैटर का संज्ञान लिया था, तो वो तो एक अलग विषय था बिकॉज ये एक्ट पूरी तरह से यूपी में लागू था, वरना ये एक्ट बना हुआ था 2010 में और 2010 से 2014 हो गया है और 2014 में ये एक्ट अब तक पूरी तरह लागू नहीं माना जाता था, और अभी जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन हुई तब इस एक्ट को सरकार ने लागू किया है। यानी कि 2014 में ही हम इस एक्ट को लागू माने, 2010 की बात नहीं यहाँ पर। कोई भी एक्ट जो लागू होता है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है जिस समय। तपन जी, हाँ हिमांशु जी, यदि 2014 से भी मान लिया जाए कि इसको अदालत मान लेती है कि लागू है, तो नोएडा अथॉरिटी के पास अभी मात्र 25 एकड़ जमीन बची हुई है, अब 25 एकड़ जमीन में तो एक या दो प्रोजेक्ट आने की संभावना है, बाकी सारे प्रोजेक्ट तो इन्होंने निपटा लिए, किसानों से तो जमीन का अधिग्रहण अब होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि कानून मजाक बनकर दिख रहा है कि लागू है ही नहीं, और बीच का इसमें एक और क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो अभी मध्य स्तर का काम हो गया है, जिसमें 1/3 काम हुआ है, 2/3 काम हुआ है, क्या उन पर यह लागू है कि नहीं, ये शायद प्राधिकरण को स्पष्ट करना पड़ेगा। वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि इसके अंदर अभी ऐसा माना नहीं जा सकता है कि ये सोमवार से लागू हो जाएगा, और सोमवार से इसके अंदर भी सारे जो बिल्डर हैं, बिल्डर भी अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं वो भी अपने कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाएंगे, और इसको चाहेंगे कि भाई जो प्रॉपर्टी पहले से मान लिया, आज ठीक है 2010 में ये एक्ट बन गया, 2014 क्यों हो गया लागू करने के लिए, क्यों नहीं 2011 में लागू हुआ, 12 में लागू हुआ, 13 में लागू हुआ, क्यों 2014 में? तो ये इसमें सरकार की भी गलती है, तो इसलिए इसमें सरकार को, बिल्डर को बैठकर इसमें, इसमें जो हमारे ग्राहक हैं उनको भी नुकसान है। प्रियंका जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ग्राहक हैं उनको भी नुकसान है। सुपरटेक वाले इशू के बाद में बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था गवर्नर बीएल जोशी जी को, और उस जब रिप्रेजेंटेशन उनको मिला था तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये इस तरह से लागू होना चाहिए था। दूसरा, कोर्टों की इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन थी कि टाइम पर पोजीशन नहीं मिल रहा था, चीज़ों को इस तरह से अस्त व्यस्त पाया जा रहा था, सुपरटेक वाले इशू में ये डांट पड़ चुकी थी हाई कोर्ट से। इसी तरह से सभी चीज़ों को देखने के बाद जब राज्य सरकार को ऐसा लगा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, परंतु मैं यहाँ पर रॉय तपन भारती जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस समय जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस चीज पर लागू कर रहे हैं। क्या वो 25 एकड़ जमीन पर लागू करेंगे तो पूरी तरह से एक्ट का मजाक उड़ जाएगा, या फिर अगर लागू करना ही था, इन स्प्रिट लागू करना था, तो मायावती जी ने उसे 2010 में बनवा दिया था, उसी समय लागू करना चाहिए था इस एक्ट को, या फिर 4 साल तक लागू नहीं हुआ। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगी, सभी की बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्ट लाने की बात तो निकल कर जरूर सामने आ रही है, लागू भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कानूनी जो पछड़ा है वो फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रियंका जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको 2 जून से जो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी, तीनों ने इसको अडॉप्ट किया है और ये अब तीनों पे एप्लीकेबल हो चुका है, जो भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन सब पे ये एक्ट
पूरी तरीके से लागू है और वो सारे उन्हीं बायलाज के हिसाब से एक्ट बिल्डर को डिलीवर करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तपंदी, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पर इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, निर्भर करता है कि जो वहाँ फ्लैट खरीदार है उनमें से 51% रिप्रेजेंटेशन देते हैं प्राधिकरण को, तो पहले तो प्राधिकरण के नोडल अफसर उसकी सुनवाई करेंगे, नोडल अफसर की बात जो जजमेंट आएगा, फैसला आएगा, उसे सहमत हो गए तब तो ठीक है। यदि दोनों पक्षों में एक पक्ष को नाराजगी हो गई फैसले से तो फिर वो अदालत में चुनौतियां देंगे। तो एक इसमें मुझे एक डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग अदालतों का चक्कर अब लगाएंगे और वो कानूनी प्रक्रिया बढ़ेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इसी वजह से फंसता हुआ दिख रहा है कि 2010 का बना हुआ कानून 2014 में इनको याद आता है लागू करना। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा पेंच है कि 4 साल तक सरकार सोई हुई थी, प्राधिकरण के अधिकारी सोए हुए थे, सजा प्राधिकरण के अधिकारी 4 साल उन्होंने बहुत आराम से अपनी शानदार नौकरी की, ट्रांसफर भी होके चले गए, उन पर गाज नहीं गिर रही है, गाज गिन पर गिर रही है जो बनवा प्रॉपर्टी खरीदने वाले बेचने वाले की गर्दन फंस रही है, पहले लागू नहीं किया। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास यूपी में कैसे करेंगे। यूपी में बार बार ये सवाल उठता है कि रियल एस्टेट कंपनियों को काम नहीं करने दिया जाता है, रियल एस्टेट कंपनियों के लिए नियम नहीं है, खरीदारों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लोग यहाँ से भागकर बेंगलोर खरीद रहे हैं, बंबई में खरीद रहे हैं, इस तरह के विवाद आपको बंबई में नहीं दिखाई पड़ते हैं। सुन रहे हैं, ऐसा माना जाए कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट पर जो बात चल रही है ये बात बनती बनती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बनते बनते बात बिगड़ सकती है। नहीं, बिगड़ने वाली बात तो मुझे नहीं लगती, परंतु मैं बहुत आशावान रहता हूँ जब भी कोई एक्ट और एनेक्टमेंट आता है। तो मुझे सबसे अच्छा इस एक्ट में ये लगता है कि कंज्यूमर के हाथ में बहुत बड़े राइट्स दिए गए हैं अगर वो अवेल करेगा तो। नहीं, लेकिन सवाल जब ये उठाया जा रहा है कि 2010 में आप इस एक्ट को लाते हैं, लागू करने में 2014 हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो चुके हैं, कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा दिया है, अब उनके लिए तो परेशानी है, साथ साथ निवेशक भी इसमें परेशान होंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरह से इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद में जिस तरह से इसको अब कार्यान्वित किया जा रहा है कि लगाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, उसमें बहुत डिले है जी। जिस डिले को ये लोग कंज्यूमर फ्रेंडली मान रहे थे कि जिससे कि भाई अगर डिले है इन कंस्ट्रक्शन तो आप उन पर फाइन इम्पोज कर दो, परंतु इसमें तो ऑलरेडी जब लेजिस्लेशन ने आपके पास में एक्ट बना के दे दिया था जी। उसके बाद भी आपने इसको लागू नहीं किया, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें मैं जरा सा एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अभी बिल्डर की बात करते हैं, मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन में गवर्नमेंट अथॉरिटी से उनको जमीन मिला बिल्डरों को जी। बिल्डर ने बनाना शुरू किया जी। उसमें लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ गई, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आई, मैटर कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, कंस्ट्रक्शन रुक गया। आज आप सोचिए, उसने बिल्डर ने कहा मैं 3 साल में दे दूंगा, अब 3 साल किस तारीख से लागू होगा? देखिए साहब, उसमें 6 महीने बीत गए, 6 महीने काम बंद हो गए, 9 महीने बंद हो गए, उससे लागू अब वो 9 महीना तो उस बिल्डर के लिए क्या हुआ? अभी उसने तो 3 साल की बात करी, उसमें 9 महीना तो गया। ये गलती किसकी है? प्राधिकरण की। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि प्राधिकरण को सुनिश्चित करना होगा, और ये प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि मैंने जो जमीन बिल्डरों को अलॉट किया है वो सही तरीके से अधिग्रहण किया गया था किसानों से या नहीं। यदि नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा गलती है। चलिए तपन जी, कुछ बातों को सुनकर ये लगता है कि प्राधिकरण की भी कुछ जगहों पर मनमानी देखने को मिलती है, गलतियां देखने को मिलती है। अगर प्राधिकरण और ज्यादा सख्ती से चीजों को क्लियर करता हुआ नजर आए तो ऐसी परेशानी और ऐसी नौबत आएगी ही नहीं प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए, प्राधिकरण में जो प्रशिक्षित जो होते हैं ना, कानून के जानकार लोगों का मुझे लगता है कि अभाव है वहाँ, लॉ पढ़े हुए लोगों की इतनी कमी है। मैंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि बमुश्किल LLB पास, जो वकालत पास है, मुश्किल से 3 या 4 अधिकारी मुझे मिले। IAS अधिकारी बनने का मतलब नहीं होता है कि आप कानून के ज्ञाता हो गए, आप सर्वज्ञ हो गए। आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं और आपकी गलतियों की सजा हजारों निवेशक पाते हैं। तो एक अच्छा, इससे एक और छवि खराब होती है कि पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि नोएडा और गाजियाबाद के प्राधिकरण के अधिकारी ये तरक्की के मार्ग में बाधक हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा के रखते हैं, मानते नहीं हैं, मनवा नहीं पाते हैं। तो यहाँ निवेशक बाहर से भी नहीं आएगा, आप बाहर से अट्रैक्ट कैसे करें? यमुना एक्सप्रेसवे में थोड़ी हम बता सकते हैं कि वहाँ जमीन काफ़ी पड़ी हुई है, अभी बिडिंग होने वाली है, बहुत सारे बिल्डर वहाँ जाएंगे, तो शायद ये जो नियम है वहाँ तो लागू हो जाएगा। वहाँ
कुछ हद तक यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत सड़कें दिख रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ शायद विवाद ना हो, लेकिन जो पुराना जो नोएडा बस गया है या नोएडा एक्सटेंशन बस लगभग आधा बस गया है, वहाँ पर ये विवाद खड़ा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक हम समझते हैं कि जो एक बताने का जो अभियान होना चाहिए, जो कैसे तरीका एडॉप्ट कैसे करें, इसमें क्या मीडिया का सहारा लेना चाहिए, अखबारों का, चैनल का सहारा लेना चाहिए, कुछ जगहों पर हॉल में लोगों को एकत्र करके एक प्राधिकरण के अधिकारी आए जिसमें वकीलों को बिठाया जाए, जहां पर ऐसे कानून के जानकारों को बैठा के, तो संवाद जब तक नहीं होगा, हजारों लोगों तक मैसेज नहीं जाएगा, तब तक ये गैप बना रहेगा और ये गलती पर गलती होती रहेगी। नतीजा होगा कि निवेश का एक मामला, एक वातावरण, एक माहौल खराब होगा। चलिए आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा इतर सवाल है इससे गोयल साहब, एक सवाल है, अगर सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जाए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट की बात की जाए, इन दोनों को अगर हम जोड़ कर देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? देखिए, अगर सिंगल विंडो सिस्टम अपने नोएडा या इस यूपी में लागू होता है रियल एस्टेट के लिए, तो ये बहुत अच्छी, सभी के लिए खुशखबरी की बात रहेगी, इन्वेस्टर के लिए भी, बिल्डर्स लॉबी के लिए भी, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम बिल्डर को अप्रूवल लेने में लग जाता है, उसमें उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अदर कॉस्ट इतनी इन्वॉल्व होती हैं कि उसकी कॉस्ट ओवररन्स हो जाती हैं, और वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर को कोई भी फ्लैट जितने में मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा। चलिए, कुल मिलाकर गोयल साहब, ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पचड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर भी पारदर्शिता अपनाई जाए और यूपी अपार्टमेंट एक्ट का पूरा फायदा उठा सके निवेशक। बिल्डर्स की बात की जाए तो बिल्डर्स और प्राधिकरण के बीच में अगर कनेक्टिविटी बनती है तो सभी को इसका फायदा होगा, क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ आपके हित की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि कहां आप इन्वेस्ट करते हैं, किस एक्ट से आप फायदा उठा सकते हैं। बिल्डर्स की बात की जाए तो कैसे निवेशक और बिल्डर एक होकर अपनी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के जरिए भी देश को विकसित किया जा सकता है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी बाजार के जरिए जो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका लाभ उठाइए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट को समझिए और घर बैठे इसका लाभ उठाकर आप अपने सपनों का घर तैयार कर सकते हैं, सपनों के घर में रह सकते हैं, उसका सुख उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनु भी हमारे साथ न्यूज रूम से थी, मनु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रॉपर्टी बाजार में बस इतना ही, जुड़े रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।